लेकिन डर थोड़ा कम है। काट डाल रे बाबा, इसने तो काट डाला रे। हेलो, आई एम राफी डॉग एंड वेलकम टू माय चैनल द डॉगो सेज सेज फैमिली। कैसे हैं आप लोग? आज मेरा चेहरा देख के आपको लग रहा ही होगा कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि सेज फैमिली हमारे यहाँ आया है 4 न्यू मेंबर्स। हाँ, तो म्योमी ने बच्चा दे दिया है माशाल्लाह। तो आज हम ये नहीं दिखाएंगे, चलो बाहर चलते हैं। तो आज का जो स्पेशल इवेंट है वो है ठीक यहाँ। तो ये चील कहाँ से आया है ये मुझे नहीं मालूम, होपफुली ये मेरा ही कोई छोड़ा हुआ चील होगा। ये चील यहाँ आके खाता है और लिटरली मेरे सामने खाता है। तो शाम को 5 बजे ये यहाँ चला आता है और रात को भी यही रहता है। मेरा ही कोई छोड़ा हुआ चील वापस आ गया है मुझे लगता है। रुकिए, आपको दिखाता हूँ ये क्या करता है। बट फर्स्ट हमारे यहाँ जो बच्चा चील है उसको ऊपर लेके चलते हैं। माशाल्लाह, ये बच्चा बहुत जल्दी बड़ा हो गया है। कुछ दिन पहले ही ये एक छोटा सा चील था, अब इतना बड़ा हो गया है कि ये बड़े चील के साथ जाके खाता है। As you can see, मैं इस चील के बहुत गरीब आ चुका हूँ, पर ये ना मुझसे डर रहा है ना कहीं जा रहा है। ऐसा लगता है कि ये मुझे पहचानता है। देखे ये बहुत गरीब आ रहा है मेरे। बच्चे चील, ये तुम्हारा भरा भैया है, इससे कुछ सीखना। तो मैंने तो ये तुम्हें नहीं सिखाया था, मैंने तो तुम्हें सिखाया था कि इंसानों से डरना, उनसे दूर रहना और उड़ के चला जाना, वापस तो नहीं आना सिखाया था। मुझे ये लगता है कि ये मुफ्त के खाने खाने आया है। देखिए कैसा कर रहा है ये। मुझे असल में ये पता नहीं कि ये मेरे हाथ में आएगा कि नहीं। ना, इसमें थोड़ा डर है। लेकिन डर थोड़ा कम है। काट डाल रे बाबा, इसने तो काट डाला रे। मैं अभी चलता हूँ, चील पक्षियों का खाना लेके आता हूँ। मेरे ट्राईपॉड को कुछ ना करो भाई, प्लीज़। तो आप लोग इस पर ध्यान रखिए, ये वाइल्ड चील क्या करता है इससे थोड़ा देखना है। मैं आता हूँ। उड़कर यहाँ बैठा है वो, देखिए यही पर बैठा है वो। वाह, देखिए यहाँ पर एक और चील आ गया है। अरे भाई, तुम कहाँ से आया है भाई? ये क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है भाई? तुमने क्या गैंग लेके आया है? तुम लोग क्या चील से इस फैमिली से हो? लेकिन वो चील जरा सा डरता है, बट ये एक थोड़ा सा भी नहीं डरता मेरे से। आप लोग जो भी बोलिए, जो भी बोलिए। अरे देखिए, ये नीचे चला आया है, नीचे चला आया है भाई। ये क्या है भाई, ये क्या है? तुम क्या हो भाई? नो, यू डोंट बिलोंग हियर। देखिए यहाँ पर एक चील मेरे पास है और यहाँ पर एक चील मेरे पास है। एक काम करते हैं, इन दोनों को यहाँ पर खाना देते हैं, देखते हैं कि यहाँ आता है कि नहीं खाने के लिए। मुझे लगता है ये चील चला आएगा नीचे, ये चील। और देखिए आ भी गया। आओ आओ आओ, मेरे हाथ पे आओ। तुम इतना दूर चले आए हो और हाथ पे नहीं आओगे तो ये नहीं हो सकता। तो तुम डॉगो सेज पे आए हो और हाथ में नहीं आओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अब मैं खुद को चील से बता सकता हूँ, क्या बोलते हो आप लोग? एक वाइल्ड चील को मैंने हाथ पे लेके खाना खिला रहा हूँ मैं, सही ना? मेरा कपड़ा मत खराब करो भाई। जाओ जाओ, अब चले जाओ। ये चील बहुत डरता है मुझसे, ये बहुत डरता है। वाह, अब ये भी खा रहा है और वो भी खा रहा है। जाक अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ही है। तो जब से ये चील यहाँ पर आ रहा है ना, तो बाकी सब चील भी यहाँ पर मेरे छत पे बैठ रहा है, मुझको विश्वास कर रहा है। देखिए ये मेरे साथ ही घूम रहा है छत पे, कोई पालतू डॉग जैसा लग रहा है ये। कहाँ जा रहा है भाई? इधर आ, खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ।
अच्छे से खाओ खाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा भाई। ये लो देखे जा रहा हूँ, खाओ। बच्चे चील को भी मैंने दे दिया है खाना, वो भी खा रहा है। तो मेरे पास जो बीमार चील है वो मैं उसको भी खाना खिलाता हूँ अब। तो आज की वीडियो में मैं कुछ नहीं करूँगा, जस्ट चील को खाना खिलाऊँगा और ये सब ही करूँगा, अपना लाइफ एंजॉय करूँगा मैं। अब मैं ये फुटेज लेके रख रहा हूँ क्योंकि जब मैं यूट्यूब में ये सीन देखूँगा, ये मोमेंट मैं देखूँगा कि एक वाइल्ड चील मेरे से मैंने इतना करीब आके मेरे हाथ में आके खा रहा है, तो मैं बहुत इन्जॉय करूँगा। आई होप आप लोगों को भी ये बहुत पसंद आएगा। ये मेमोरी मैं हमेशा याद रखूँगा, हमेशा याद रखूँगा। हो सकता है कि इस चील को मैंने ही छोड़ा था और ये माने ये इतना करीब हो गया है मेरे से, भाई इतना अटैच हो गया है मेरे से कि ये फिर से चला आया मेरे पास। एंड यहाँ पर वो अपना विश्वास मुझे दिखा रहा है, मेरे पास आके खा रहा है, मेरे इतने करीब बैठा है। ये मेरे लिए सब कुछ है, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दिन पहले मैं बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया था, थोड़ा डिप्रेस था, तो मैंने जब बहुत सारे चील मेरे यहाँ पर से छोड़ा था, लगता है ये वही में से कोई एक होगा, क्योंकि बहुत सारे बीमार चील कुछ दिन पहले ही ठीक हुआ था और मैंने छोड़ा था। खूब बहुत डिप्रेस था इसलिए ज़्यादा नहीं वीडियो किया था, तो हो सकता है ये उसका ही एक पार्ट है। जब मैंने इन लोगों को छोड़ा था ना, तब मैंने इन लोगों को हंटिंग सिखाया था, जब वाइल्ड में कैसे बच सकते हैं, ये कैसे खाना ढूंढ सकते हैं, मैंने ये सब सिखाया था। पर ये लोग ऐसे मेरे साथ क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। चलो चील पक्षियों को खिलाते हैं, टाइम बहुत हो रहा है। तो सेज फैमिली, क्या हम इसको एक नाम दे सकते हैं? ले क्योंकि हम ये बार बार बोल रहे हैं कि ये वो चील है जो वापस चला आया है। तो आज मैंने आप लोगों को दो ऐसे सीन दिखाए हैं कि मेरे जीवन से बहुत कनेक्टेड है। एक जो सीन है वो है मियोमी के बच्चे और ये दूसरा है ये पागल लोग। तो मैं यहाँ पर अपना लाइफ एंजॉय करता हूँ अकेले अकेले। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो ओबियसली सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे न्यू चैनल पर डॉक्टर सेज हिंदी। एंड अल्लाह आप लोगों को अच्छा रखे, सुस्त रखे। एंड अस्सलामुअलैकुम।